हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित प्रजापति, ट्रेडर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो चीज़ सीखने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे कि आईबी हमें कैसे चेंज करना है, और उसके बाद हम सीखने वाले हैं कि हम इंटरनल ट्रांसफ़र किस प्रकार से कर सकते हैं। इंटरनल ट्रांसफ़र यानी कि हमारे एक ही आईडी में कई सारे मल्टीपल MT4 MT5 अकाउंट हो सकते हैं, तो हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे इंटरनल ट्रांसफ़र करके अपना फ़ंड डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, आईबी कैसे चेंज करते हैं ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना आईबी चेंज करते हैं, यानी कि मेरे रेफरल लिंक में अपना अकाउंट लेके आते हैं, तो मैं आपको अपने प्रीमियम कोर्स का एक्सेस फ्री में देता हूँ। इसके अलावा लोगों के और भी काफ़ी सारे अल्टरनेटिव रीज़न होते हैं जिस वजह से वो आईबी चेंज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे रेफरल में अपना अकाउंट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर जस्ट आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपका जो भी आईडी पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक इस प्रकार जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना अकाउंट मेरे रेफरल लिंक में करना चाहते हैं, तो अगर आपका अकाउंट मेरे रेफरल लिंक में है या नहीं है, तो आपके अपने XM अकाउंट को लॉगिन करना है मेरे रेफरल लिंक से, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसके लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा, चेंज आईबी। तो दोस्तों, आपको अपने चेंज आईबी वाले लिंक पर क्लिक करना है, और उसके बाद अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, तो आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पर मेरा नाम दिख रहा है अंकित, तो उसके बाद USD दिख रहे हैं 18.65, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आईबी चेंज करने के लिए सबसे पहले आपकी ऑलरेडी एक आईडी तो बनी हुई होगी, उसके लिए आपको ना एक अल्टरनेटिव आईडी बनाने की ज़रूरत है। तो अल्टरनेटिव आईडी बनाने के लिए क्या करना है, ओपन एडिशनल अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप ओपन एडिशनल अकाउंट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपसे डिटेल्स पूछेगा कि आप किस प्रकार का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से MT4 अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, तो अकाउंट टाइप में ये हमसे पूछेगा आप स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, माइक्रो ओपन करना चाहते हैं, या XM अल्ट्रा लो का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। मेरा ऑलरेडी XM अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट है, तो यहाँ पर मैं अपना एक स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करना चाहूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद अकाउंट बेस करेंसी मेरे को USD यहाँ पर चूज करना है। देन उसके बाद लेवरेज, मैं मैक्सिमम लेवरेज यूज करता हूँ, तो 1:1000 करूँगा, आप कम भी कर सकते हैं। देन उसके बाद अकाउंट बोनस में मैं येस क्लिक करूँगा, येस आई विश टू रिसीव बोनस, ठीक। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर मुझे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, मैं एक यहां पर पासवर्ड क्रिएट कर देता हूं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर दिया है, और यहाँ पर सिंपली मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा और ओपन ए रियल अकाउंट पे क्लिक करूँगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो मुझे वहाँ पर जो मेरी एक आईडी दिख रही थी, वहाँ पर अब मुझे अपनी दो आईडी दिखेंगी। देखिए, वो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको सिंपली लेफ्ट साइड में मेन्यू पर क्लिक करना होगा, और आपको यहाँ पर क्लिक करना है अकाउंट पर। जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करते हैं, तो आपको अपने अकाउंट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि आपको मेरे दोनों अकाउंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पर अभी जो मेरा अकाउंट लॉगिन है वो ये वाला है 1828 1873, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले अकाउंट में मेरे $18 डिपॉजिट हैं, और ये मेरा अगर दूसरा अकाउंट मेरे को लॉगिन करना है, तो इस पर मेरे को क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर मुझे लॉगिन करना होगा, तो इंटरनली यहीं पर ये लॉगिन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर ये देखिए, अभी इसमें $0 है, यानी कि इसमें अभी कोई भी फंड ऐड नहीं है। तो मैं फिर से अपने पहले वाले अकाउंट पर चलता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये यहाँ तक का प्रोसेस तो हुआ। अगर आप अपना आईबी चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मेरे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। देन आपको एक अल्टरनेटिव आईडी बनानी है, ठीक। तो अभी आपको क्या करना है, आपका ये जो फंड है उस वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है जो अभी आपने क्रिएट किया है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपना फ़ंड ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनल ट्रांसफ़र। जैसे मैं इंटरनल ट्रांसफ़र पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे सामने एक नई विंडो ओपन होकर आ जाती है। तो यहाँ पर ये हमसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, और हमें सिंपली वो डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। तो जैसे कि यहाँ पर ये हमसे पूछेगा डिपॉजिट आईडी, तो मेरे को यहाँ पर क्लिक करना है अपनी ये वाली आईडी जिसमें मेरा फंड ऐड है। उसके बाद ये पूछेगा डिपॉजिट अमाउंट, यानी कि आप कितने USD अपनी दूसरी आईडी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 5 USD ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल अकाउंट ट्रांसफर योर रिक्वेस्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं फिर से अपने डैशबोर्ड में आ गया हूँ और यहाँ पर अब मेरे इस अकाउंट में 13 USD है। तो आइए मैं चलिए यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे इस वाले अकाउंट में अभी 13 USD है और अभी मैं अपना दूसरे अकाउंट को लॉगिन करके देख लेता हूँ कि क्या इसमें मेरा डिपॉजिट आया है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं मेरे इस वाले अकाउंट में ये 5 USD ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप इंटरनल ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ पर आप IB भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया IB चेंज करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपने MT4 में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको एक अल्टरनेटिव अकाउंट ओपन करना पड़ता है यहाँ से ओपन एडिशनल अकाउंट से। जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें या तो आप डिपॉजिट कीजिए, नहीं तो अगर आपकी दूसरी पहले वाली आईडी में पैसा पड़ा है तो उसे आप इंटरनल ट्रांसफ़र के जरिए अपनी इस वाली नई आईडी में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।